जी तो अब हम न्यू स्टूडेंट्स के पास आए हैं। आज एसएमला कॉलेज में जैसा मैंने आपको बताया था इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो अब हम मकसूद भाई से जानेंगे। वो इंटरव्यू के लिए आए हैं, उनको एसएमला की तरफ से कॉल आई है और उनके व्यूज़ जानेंगे, वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन है। जी मकसूद भाई, मकसूद भाई आज एसएमला कॉलेज में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, क्या प्रिपरेशन है, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? इंटरव्यू के लिए बहुत तैयार होकर आया हूँ, अच्छा इंटरव्यू होगा और ये मैं इसलिए यहाँ एडमिशन ले रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है, उसका नाम बहुत सुना है और मैं अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ यहाँ ला के। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ला करने चाहते हैं इंशाल्लाह। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी रोहा खान। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी एसएम लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूं और हम जानना चाहेंगे इनसे, जैसे न्यू स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने इंटरव्यू देना है और फॉर्म सबमिट करवा चुके हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि इनको कैसा लगा एसएम लॉ कॉलेज। इससे बड़ा आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम तारिन नायाब है। अच्छा, आपने एसएम लॉ कॉलेज को मतलब कहाँ पर देखा था आपने? मैंने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी और यहाँ के टीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ प्रायोरिटी दी। अच्छा, तो आपने लॉ क्यों करना है? क्योंकि मुझे शौक है बचपन से। तो कैसा फीलिंग हो, एंजाइटी हुई होगी, क्या होगा? खुशी और डिप्रेशन दोनों का मिक्सअप है। खुशी और डिप्रेशन दोनों। अच्छा, अगर आपका मतलब कन्फर्म होता है तो क्या ख्याल है आपका, कैसा एनवायरनमेंट लगा आपको यहाँ? या बस नहीं, बस कोर्स। अब हम शर्जिल भाई से ये जानेंगे। शर्जिल भाई, हमें ये बताइएगा कि अभी एसएमला कॉलेज में न्यू एडमिशन होने जा रहे हैं, तो उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किए गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, पहले प्रीवियस ईयर्स में जो भी एडमिशन हुई थी एसएमला कॉलेज में वो मेरिट बेसिस पे हुई थी, जो कि आपके इंटरमीडिएट परसेंटेज और लॉ एडमिशन टेस्ट की मार्क्स को देखा जाता था। पर अब ये होता है कि पहले जो कुछ बैचेज आई उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास नॉलेज तो थी, वो लिख तो सकते थे, पढ़ तो सकते थे, पर वो डिलीवर नहीं कर सकते थे, पर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। आपको पता है, कोई भी लॉयर हो आप, उसके पास
कितना भी इल्म हो, अगर जज के सामने डिलीवर नहीं कर पाता तो वो उसका किसी काम नहीं। विदाउट कॉन्फिडेंस मतलब कि वो मतलब इसीलिए इसी चीज़ को देखने के लिए इधर ही कॉन्फिडेंट टू बी अ लॉयर वो लॉ कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट में सिर्फ आपकी फील होती है, आपको ये नहीं देखते कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। इंजीनियरिंग या आईटी में ऐसा होता है कि आपको काम ही करना होता है, पर हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें आपको बोलना पड़ता है, अगर बोलना नहीं आपको डिलीवर भी करना होता है, लोगों को सेटिस्फाई भी करना होता है और बोलना भी टू द पॉइंट, मतलब कि कानून पता हो कि बोलने को क्या बोल रहा है, ऐसा भी नहीं कि हवा में छोड़ देना, ये भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जैसे कोई सेक्शन बताना है वो भी मतलब पेज बताना है या जजमेंट कोई बतानी है उस हिसाब से। इसी हवाले से कुछ लॉ स्कूल पहले भी इंटरव्यूज देते थे, उसी रीत को बरकरार रखने के लिए एसएम लॉ कॉलेज ने भी ये एक अच्छा स्टेप उठाया। असल में मेरा खुद का पैशन था और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे बाबा का ड्रीम है कि मेरी बेटी जज और वकील बने ना। अच्छा जी, तो एसएम लॉ कॉलेज से क्यों करना, कराची में बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, क्लासेस और ख़ास करके सीनियरों की मेहरबानी है कि वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छे, हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखी है, मैंने पूरी कॉलेज देखी है, सब कुछ अच्छा है और बहुत बेहतरीन है और हर चीज़ अच्छी है। यहाँ पे इंटरव्यू में तो मैं रिलैक्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पता है कि इंशाल्लाह मैं कर लूँगी, अल्लाह पे बड़ी उम्मीद है और ख़ुद पे भी, और इंशाल्लाह हो गई तो मैं डेली बेसिस पे भी आऊँगी और पढ़ूँगी, इंशाल्लाह जो ड्रीम है वो पूरा ही कर लूँगी। तारीख में हिस्ट्री में पहली बार देखा है कि एसएम लॉ कॉलेज में के स्टूडेंट जो लेटेस्ट पार्क पास करके आते हैं उनको जस्ट मतलब एडमिशन यहाँ से कोई एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट देता है, उसके इंटरव्यूज़ नहीं होते। इस दफ़ा बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट करने वाला सर फरीद अहमद दायो साहब है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इनका मतलब एक इंटरव्यू प्लान बनाया। और दूसरी बात ये कि जो न्यू एडमिशन आई है 2022 की, मैं आपके तवस्सुल से उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि एसएम लॉ कॉलेज का सिस्टम और एसएम लॉ कॉलेज का जो पेपर का सिस्टम है वो अब बेहतर हो जा होते जा रहा है, सारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की बेहतर है, कॉलेज का ज़बरदस्त लुक है, कॉलेज का सिस्टम बहुत बेहतर है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, आप आएँ एसएम लॉ कॉलेज को विज़िट करें, आप उनमें एडमिशन लें, स्टडी करें, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं ज़बरदस्त माशाल्लाह बैरिस्टर्स और जजेस से बिलोंग करते हैं, आप आएँ क्लासेस लें उनकी, हम आपके साथ हैं, जो भी आपको हेल्प होगी हम करेंगे। जी अब हम
हमारे ही एस एम ला कॉलेज के स्टूडेंट्स से, जैसा कि मैं भी यहीं पर पढ़ रहा हूँ और हमारे सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर हैं बुशरा, से भी हम जानना चाहेंगे कि उनके क्या रिमार्क्स हैं, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा भी फील कर रहे हैं और उनको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग भी है कि कहीं ना कहीं हमारा एडमिशन हो ना हो, वो जो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को एक फियरनेस होती है। तो बुशरा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये जो इनिशिएटिव स्टेप लिया है स्टूडेंट्स की तरफ से? मैं तो ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब तक हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में वेरी क्लियरली स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे नहीं लेकर आएंगे तो वो उनको मतलब अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जिस तरह से वैसे हम पहले इंटरव्यूज ले रहा है, फिर लेट टेस्ट, और इस तरह से इन चीज़ों को मतलब क्लेरिफाई करके स्टूडेंट्स को ला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक प्रोडक्ट आएगी हमारे पास। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि आगे हमें जाके बहुत सी मुश्किल का सामना करना है। आगे इंटरव्यूज हर जगह पर हमने यही फेस करना है, कोर्ट लाइफ में हमने यही स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्टार्टिंग से हमें इस तरह के इंटरव्यू टेस्ट वगैरह, क्योंकि आगे हम जब LLB कंप्लीट करते हैं हमें बार बार यही सब कुछ फेस करना है। फर्स्ट स्टेप से अगर हमें इस चीज़ की आदत डाल दी जाए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया जाए, तो हमें खासा आगे हमें मुश्किल का सामना इतना नहीं करना पड़ेगा जितना ये पिछले लोगों ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टूडेंट के मुख्तलिफ व्यूज़ आ रहे हैं, इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे और चीज़ों से आगे करते रहेंगे। थैंक यू। शिराज भाई, आप SMLA कॉलेज एडमिशन की तरफ एडमिशन के लिए आए हैं, कॉल आई है आपको, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? क्या प्रिपरेशन है, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपका, मतलब क्या फीलिंग्स हैं? अच्छा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एडमिशन के लिए कॉल किया हुई थी कि आपका इंटरव्यू आप मंडे को आ जाइए, और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कुछ ये इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ लॉ के रिलेटेड करेंगे। मतलब एक डर है या फील खुश हो रहे हैं, कैसा लग रहा है?
शहजाद अकरम भाई की व्यूज़ लेते हैं। शहजाद अकरम भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? अलहमदिल्ला अभी तक तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल देखते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और यहाँ पे पूरी टीम काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं बिल्कुल, और इंतजामिया भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है बिल्कुल, जिस तरह का बिहेवियर और एनवायरनमेंट लग रहा है तो काफ़ी है अंदर से भी देखने में, और जिस तरह की लाइब्रेरी है तो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी क्या प्रिपरेशन है, कैसा लग रहा है आपको इंटरव्यूज़ के बारे में, आपका कहीं खौफ तो नहीं, डर तो नहीं रहे, कहीं कोई फीलिंग्स ऐसा कुछ फील हो रहा है? नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह, प्रिपरेशन करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जो अल्लाह को मंजूर होगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज इंशाल्लाह, हम भी चाहते हैं बिल्कुल अल्लाह आपको कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे, और बेहतर यही होगा हम सब मिलकर काम करें इंशाल्लाह के पाकिस्तान। जैसा कि आप इंटरव्यू के लिए यहाँ आएँ तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि एसएमएलआर कॉलेज में आप इंटरव्यू पास कर लेंगे, इंटरव्यू किस हवाले से क्वेश्चन आएंगे, तो आपने किस हवाले से एडमिशन एसएमएलआर कॉलेज लेने के लिए ज्वाइन किया है? जी पहले से सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी अच्छी तरह से तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, सबसे पहले मैंने लाइट की टेस्ट भी पास की है, उसके बाद अभी इंटरव्यू के लिए बुलाया है यहाँ पर मुझे, सो मैं होप करता हूँ यहाँ भी मेरी अच्छी प्रिपरेशन है, सो मैं इसके काबिल होऊंगा जो मुझे एडमिशन मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है जी, ये और यहाँ से काफ़ी सारे जैसे कि भाई ने बताया पाकिस्तान जो है वो भी यहाँ से ही पढ़ कर गए, ये हमारी ख्वाहिश होगी यहाँ पर। भाई आपको कैसा लग रहा है, मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए और काफ़ी अच्छी फीलिंग्स के साथ आ रहे हैं, वो जोश हैं, एक पैशन है उनके अंदर के बस हमें एडमिशन लेना है, क्योंकि इंटरव्यू की कॉल आई, तो साहिल भाई आपकी क्या फीलिंग्स हैं, कैसा लग रहा है? और एक बात और बताता था, साहिल भाई हमारे पास शायर भी हैं, साहिल भाई बताएँ आप हमें। जी जी, मेरा नाम साहिल है, मुझे एक शेर याद है, वो शेर है, कभी यूं भी तो हो दरिया का साहिल हो और पूरी चांद की रात हो और तुम आओ। दरअसल ये मेरे लिए ये बहुत लकी डे है कि आज मैं इंटरव्यू के लिए इस मिला कॉलेज आया हूँ, और इस कॉलेज का बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सी सारी पर्सनैलिटियाँ पढ़ चुकी हैं और बहुत उसने नाम कमाया है, तो वो भी मुझे उस जितने उसके पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज देखा मुझे हर एक आता है और इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल, साहिल भाई ने बहुत अच्छा बताया, साहिल पे खड़े हैं तुम्हें का गम चले जाना, साहिल भाई तो अपने एसएम में खड़े हैं, तुम चले जाओ, जाना है तो जाना।